नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, ये है 19 सितंबर का, तो आज है गणेश चतुर्थी। तो हमने गणेश चतुर्थी की पूजा किया था, तो थोड़ी सी वीडियो शूट किया था, उसके बाद का कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो गणेश चतुर्थी की दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपत बप्पा मौर्य की आप सभी दोस्तों पर कृपा बनी रहे, आप सभी के जीवन में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, आपके फूलों की बगिया यूँ ही महकती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो गई है, और सबसे पहले हमने यहाँ पर साफ़ कर लिया था, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने लिपाई नहीं किया था। तो यहाँ पर हमने तखत पर, यहाँ ना ही तो कोई लेटता है ना ही बैठता है, बस सामान रखी रहती है थोड़ी बहुत, तो यहीं पर हमने साफ़ कर लिया था। उसके बाद में हमने कहा यहीं पर पूजा कर लेते हैं, क्योंकि नीचे बरामदे में जब हम करते हैं तो जैसे कि पुताई कर देते हैं, मिट्टी से ही क्यों ना करें, लेकिन कर देते हैं तभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन उस दिन जो है हमने फिर नहीं, कुछ हिम्मत नहीं थी करने की, तो फिर हमने नहीं किया था। और तो हमने कहा चलो यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है, और हम हर चीज़ की पूजा करते हैं जो भी करते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करते हैं। तो पूजा हमारी संपन्न ही होने वाली है, और ये पूजा हमने खाना बनाने के बाद में किया था, क्योंकि सुबह 19 को ऐसा मुहूर्त था, मानना था सभी लोगों का कि 8:30 बजे से कुछ था 1:35 तक, तो फिर हमने कहा चलो खाना वगैरह बना ही लेते हैं सुबह, क्योंकि खाने की बहुत जल्दी होती है, तो खाना बनाने के बाद में ही करेंगे पूजा, आराम से बैठ के करेंगे। तो फिर और सुबह सुबह खाना भी बन गया था, क्योंकि 8:30 बजे से था ना, इस वजह से। और दो दिन के तो आजकल तो सारे त्यौहार जो हैं दो ही दिन के होने लगे हैं, तो कोई 18 को कह रहा था, कोई 19 को, तो फिर हमने 19 को किया था। उसके बाद में ये है दूसरे दिन की, यानी की है ये बुधवार की, कल की। तो फिर उस दिन हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, पूजा किया था तो बस उसकी कर लिया था, बाकी काम तो नहीं बंद थे, लेकिन जो है अब थोड़ा सा आराम है। तो फिर हमने कहा चलो काम कोई नहीं बंद है, और सिर्फ यही काम बंद है, जैसे आप लोगों से बात नहीं करते हैं तो बिल्कुल जैसे कि अच्छा ही नहीं लगता है, यही लगता है कि कुछ अभी छूटा जा रहा है, कुछ छूटा जा रहा है। तो हमने कहा चलो व्लॉग की शुरुआत ही कर देते हैं। तो यहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा तेज़ थे, तो ऊपर पड़ी थी उड़द की दाल की छियाँ, खेत में थोड़े से पौधे हैं तो उनको मम्मी लाई थी, तो छत पे पड़े थे, तो उनको जो है आज हमारे यहाँ बड़ी वाली दीदी के ससुर जी नहीं रहे हैं, तो मम्मी वहाँ चली गई हैं। तो बादल था तो हमने कहा चलो इसको उठा करके रख देंगे, यदि हम घर में करते रहे और एकदम से बारिश होने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर नीचे आ गए थे तो धनिया ख़त्म हो गई थी बनी हुई मसाला के लिए, तो उसको पछोड़ रहे थे। हमने कहा धूप में पहले सुबह रख दिया था, हल्की सी घमसी टाइप में निकली थी तो उसको रख दिया था, तो वही पछोड़ रहे थे। और यहाँ पर भी पछोड़ के ही रख दिया है, उसके बाद में इनका चारा जो है ख़त्म हो गया था, तो ये जो है घास खड़ी रखी थी तो इसको डाल देंगे, चारा पहले खा चुकी है कटिया वाला जो चरी वाला था, तो घास खा लेंगी उसके बाद में डाल देंगे, पिला देंगे पानी। तो यहाँ फिर से आ गए हैं धनिया को लेकर के, तो इसको बीन के रख लेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत एक आधी मिट्टी सी हो जाती तो उसको देखना पड़ता है। तो धनिया भी हमने बिन के रख दिया था, और ये घास इनकी भी खा चुकी हैं तो इनको पानी पिला देंगे। और सुबह हल्की हल्की धूप निकली थी, लेकिन फिर से बादल जो है बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा बादल थे
तो इधर बाबू जो है लिए हैं वो जहाज़ खिलौना, तो ये हमसे पहले कह रहे थे कि इसको बना दो, तो हमको, हमने उसको देखा ही नहीं था तो हमने हमसे बना ही नहीं, तो कह रहे कि तुम उल्टा सीधा बना रही हो, हम बना लेते हैं। तो हमने कहा जब बना लेते हो तो फिर हमसे क्यों कह रहे हो, फिर उसको बना करके वही ये खेल रहे हैं। तो बड़ी वाली भैंस के नीचे हमने जो है झाड़ू लगा दिया है और इनके नीचे लगा देते हैं। तो ये जब समूच वाली घास यानी मतलब काट के नहीं डाली जाती है मशीन में, ऐसे ही खड़ी डाल दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा कर देती हैं, उसी में गोबर करकट करके सब एक में ही कर देती हैं। लेकिन घास जो है खेत में है, इस वजह से डाल दी जाती है, जब नहीं होगी तब देखा जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए कैसे मारने दौड़ रही हैं। तो बाबू से हमने कहा कि बाबू डंडा लेकर के खड़े हो आओ के और हम झाड़ू लगा देते हैं। तो इनको देखिए मना कर रहे थे, मना करते करते ही उसके एक इन्होंने चिपका ही दिया। हम कह रहे थे बस लेकर के खड़े हो, फिर उधर आ गई थी ट्रेन तो ये देखने चले गए और झाड़ू लगा करके फिर से डाल देंगे तो ये खाती रहेंगी। और उसके बाद में चलते हैं घर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टोर रूम साफ़ करने जा रहे हैं तो झाड़ू देख रहे हैं, क्योंकि स्टोर रूम की इतनी दशा ख़राब हो गई है कि जिस जगह पर आप दो दिन ना पहुँचे, दो दिन की तो बात छोड़िए, एक ही दिन अगर ना पहुँची तो वहाँ की दशा ही कुछ अलग हो जाती है, उसका लुक ही बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। तो इसको कह रहे हैं कि साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जितनी जगह होती है बस उतनी जगह में सारी सामान ही सामान रखी है। तो सारी चीज़ें जब हटा हटा करके साफ़ करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से रखा था लेकिन सब इधर उधर पड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें कुछ पहले हटा दिया है, जो हमसे हटाने वाली थी उनको हटा करके झाड़ू वगैरह लगा देंगे, उसके बाद में इसको सारे सामान जैसे रखिए वैसे रख देंगे। और पुताई तो करने वाला था, बारिश से हमने पुताई नहीं किया है यहाँ पर, ना ही तो लिपाई किया है। लेकिन पुताई लिपाई इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा जो लग रहा है हल्का हल्का, ये फफूंदी टाइप में है। और यदि जैसे कि सामान ना रखी हो तब लिपाई पुताई कर दो तो वो सूखता रहता है, जब सामान रखी जाती है तो फिर वो वहाँ पर सीलन ही सीलन बनी रहती है। और हमको लगता है सर्दी में ज़्यादा दीमक लगती है, इसी वजह से यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो झाड़ू पूरे कमरे में सारे सामान हटा हटा करके हमने झाड़ू लगा दिया है, साफ़ कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला था। सिर्फ एक ही दिन आप ना जिस कमरे में ना पहुँचो तो फिर वहाँ की दशा ही ख़राब हो जाती है। तो देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है और इसको साफ़ कर दिया है। और जैसा होगा, क्योंकि एक ही दिन में अभी तबीयत ज़्यादा मतलब कि नहीं सही है, पर इतना ज़्यादा नहीं, हमने सोचा थकावट फिर से आ जाएगी तो नहीं किया था, नहीं तो पुताई तो करने वाला था। फिर हमने कहा कि सामान हटाया था फिर से हटाना पड़ेगा, इस वजह से पुताई तो करने वाला था लेकिन फिर हमने किया नहीं था। जैसा होगा तो अगले दिन देखा जाएगा, तो कर देंगे पुताई लिपाई इसकी। और यहाँ बाहर देखिए सब इधर उधर पल्ली कपड़े घास वगैरह के सब इधर उधर पड़े हैं, तो इनको भी तहा करके रख देंगे और यहाँ पर साफ़ कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। उधर से हमने लगा लिया है, तो इतना ये रूम ही हमको साफ़ करते करते हमको काफ़ी टाइम लग गया था इसमें। और साथ में इनकी देखिए जैसे कि इनके सर में जू हो गए हैं, तो अपना खुजला रहे हैं, मस्ती चल रही है। तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो झाड़ू हमारी लग चुकी है और अब चलते हैं घर में, क्योंकि शाम का खाना भी बनाना है। सुबह खाना वगैरह बना के बर्तन धुल के बाबू को तैयार करके स्कूल भेज के, क्योंकि आज उतनी जल्दी मतलब फुर्ती वाला नहीं था,
तो फिर हमने कहा कि चलो व्लॉग की शुरुआत सुबह से नहीं किया था, फिर दोपहर के बाद से कुछ थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ, तो हमने कहा चलो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर ये मतलब कि दोपहर के बाद का था। तो बाहर साफ़ करने के बाद में आ गए थे अंदर, थोड़े से बर्तन पड़े थे दोपहर के खाए हुए, उनको धुला, हाथ वगैरह धुलने जा रहे थे, और फिर यहाँ पर बना रहे हैं रोटियाँ। तो दाल हमारी पक चुकी है क्योंकि शाम का डेली का यही खाना है, और चावल नहीं बनाया है, सिर्फ दाल रोटियां बना रहे हैं। तो दाल हमारी पक चुकी है, भगोनी में रखी है, और रोटियां सेंक लेते हैं, उसके बाद में फिर से चौका बर्तन करना होगा। और यहाँ पर हम खाना बना ही रहे थे तब तक आ गई थी मम्मी, तो इनको पानी दे देंगे बाहर, तो यहीं पर हाथ पैर धुलेंगी, नहाएंगी, उसके बाद में घर में जा कर के नहाएंगी। तो इधर जो है बाबू से कह रही हैं पैसे वगैरह कुछ होंगे कि इधर ये ले जाओ बाबू। तो फिर ये जो है लेकर के आ रहे हैं, कुछ रह गए हैं तो उनको भी ले लेंगे। तो वहाँ नहा लेंगी बाहर, फिर आएंगी अंदर नहाएंगी आकर के शैम्पू वगैरह से। तो बाहर अभी ऐसे ही ऊपर से ही नहा लेंगी। और हमारा खाना बन चुका था, फिर आ गए हैं हम चौके की पुताई करने, और बर्तन अभी हमने नहीं धुले हैं, मम्मी नहा रही हैं, और हम इधर जो है पुताई कर लेते हैं तब तक। तो काफ़ी टाइम हो गया था आने में, क्योंकि लगभग में 1 बजे के टाइम फ़ोन आया था, तो फिर वही चली गई थी वहाँ। और ये रसोई जो है हमारी, ऊपर से रसोई भी पुताई करने वाली है, लेकिन जो है सीलन की वजह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर से वैसे भी नहीं देख रहे होंगे आप लोग, इधर जो है दीवारें सूखी नहीं हैं, बस ऐसी ही गीली गीली बनी रहती हैं। तो चौके की पुताई हो चुकी थी, फिर आ गए हैं हम यहाँ पर बर्तन धुलने, तो बर्तन धुल लेते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर दिया करें, और एक जाते जाते एक लाइक भी कर देना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे माता पिता बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार, खुश रहें, अपने अपना ध्यान रखें। तो यहाँ पर सारे सामान सुबह के लिए हमने रख दिया है, और अभी खाना वगैरह तो किसी ने खाया नहीं है, तो सभी लोग खाएंगे, लेकिन वीडियो नहीं शूट करेंगे, यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक दीजिए हमें इजाज़त।